अपने मामा के घर कौन कौन गया है छुट्टियों में? हाथ खड़े करो। सारे गए हैं? मुझे बता सकते हो कैसे गए आप? आप कैसे गए? बस से सर। बस से? आप कैसे गए? अच्छा आप? हम भी बस से गए सर। मैं ट्रेन से। दूर रहता है? आप कहाँ से गए? कैसे गए? ट्रेन से। टेम्पो से गई थी। टेम्पो से। अच्छा ऐसा भी कोई बच्चा जो हवाई जहाज से गया हो? तो बच्चों हवाई जहाज किस किस ने देखा है? इतने सारे बच्चों ने देखा है। वेरी गुड। आसमान में देखा? वेरी गुड। सर के ऊपर से गया। तो आपको पता है ना हवाई जहाज जो है पूरे एक तो सीधा चलता है, इसके लिए रोड की आवश्यकता नहीं होती, पता है ना? बस हमारी रोड पे चलती है। पता नहीं पता? रेलगाड़ी हमारी कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है, उसके लिए ट्रैक बिछाना पड़ता है। परंतु हवाई जहाज आसमान में उड़ता है और हवाई अड्डे पर उतरता है, उसके लिए हवाई पट्टी होती है। आपने देखी हवाई पट्टी? देखिए, कुछ ने नहीं देखी तो दिखाएंगा। तो हवाई जहाज, आप हवाई जहाज भी कई तरह के होते हैं बच्चों। एक तो जो इसमें हम बैठ के जाते हैं सवारी का हवाई जहाज होता है, एक होता है लड़ाकू विमान, उसके साथ साथ आपने हेलीकॉप्टर भी देखा होगा। हमारे गांव के आसपास, स्कूल के आसपास मंडराते रहते हैं, देखा है ना आपने? और अब तो एक नया साधन और आ गया है, पता नहीं पता? वो हवा में उड़ते हैं और हाथ से चलाते हैं, ड्रोन। वो फोटो भी लेता है और वो खेतों में दवाई भी छिड़कता है। शादी में फोटो लेता है, चारों तरफ घूमता है। बर्थडे पार्टी में भी कई बार वो फोटो खींचता है। किस किस की बर्थडे पार्टी में ड्रोन से फोटो करवाई? करवाए किसने? अच्छा मामा के यहाँ देखा है। वेरी गुड। हाँ जी। अच्छा बच्चों आपने बात कर ली हवाई जहाज की, रेलगाड़ी की, बस की। बस में गए? बस चलती कैसे है? कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। अच्छा कार देखी है किसी ने? किस किस के घर में कार है? कितने पहिए होते हैं चार में? कार में पांच। कार में चार होते हैं? पांच। पांच होते हैं भाई, एक स्टेप नहीं होता। पंचर होने पे क्या होता है उसको बदल देते हैं। अच्छा बच्चों इसके अलावा तुमने दो पहियों की सवारी भी देखी होगी? दो पहियों की साइकिल? हाँ साइकिल, स्कूटी, मोटरसाइकिल। परंतु एक सवारी ऐसी तुमने शायद देखी ना हो जो कहाँ चलती है? पानी में। पानी में चलती है। क्या होती है नाव पानी में चलने वाली? नाव। और समुद्र में क्या चलते हैं? बड़ी नाव। पानी के जहाज। तुमने देखे जहाज? चित्र में देखोगे कि फिल्म में? तो तुम फिल्म में भी देखे हैं? तो तुम्हें एक जगह और देख, मिठाई में आओ, एक जगह और देखे हैं सर, किताब में। हाँ किताब में। अभी जल्दी छुट्टी करके फिर ले चलेंगे। अच्छा बच्चों जो हमारे समुद्री जहाज कहाँ रुकते हैं? पता है नहीं पता? नहीं पता। बताना जी, बंदर। बंदर सुना है? तुमने बंदर देखे? हाँ जी। वो उन बंदरों में नहीं, पानी का स्टेशन होता है, जैसे बस का बस अड्डा होता है, रेल का रेलवे स्टेशन होता है, हवाई जहाज का क्या होता है? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। ऐसे ही पानी के जहाज का बंदर का। ठीक है। अरे बस तो बच्चों आपने स्कूल बस देखी है? किस किसने देखी है? किस किसने उसका कलर देखा है? कोई बता सकता है? पीला। पीला, पीला रंग क्यों होता है उसका? वो दूर से ही नजर आता है, दूर से ही आता है। ये इसलिए सरकार ने, हमारी सरकार ने इसको विशेष रंग दिया है, क्योंकि ताकि बच्चों को, की बस को
अलग से रास्ता दे सके, इसलिए इसका रंग पीला किया है। कई दुर्घटना हुई थी ना, दुर्घटना जानते हो एक्सीडेंट, उसमें बहुत सारे बच्चे मर गए थे, तो इसलिए सरकार ने निर्धारित किया है पूरे देश के जो स्कूल हैं उनकी जो साधन होंगे, वाहन होंगे, बस या वो सारी एक ही रंग में होंगी और वो पीला रंग होगा। आप हमारे स्कूल में इसलिए बस नहीं है, हमारे बच्चे नजदीक से आते हैं, दूर से भी आते हैं, हमारे भी कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए बस लगवा देंगे और तुम्हें किराया देंगे पहले, बस जब बस लाए। देखो ये चीजें मैंने बताई हैं, कुछ समझ में आ रही है तुम्हारे में? हाँ जी। ये जो हवाई जहाज, बस, पानी का जहाज, ये किस काम आते हैं? सवारी के, आने जाने के। हाँ, जब हम दूर की यात्रा करते हैं तो ये साधन काम आते हैं, हम पैदल नहीं जा सकते दूर, ज्यादा दूरी पर पैदल नहीं जा सकते। जा सकते हो आप? कैसे जाओगे? हवाई जहाज से, पानी के जहाज से, रेल से, बस से, साइकिल से, कुछ आ गया, नाव से। अच्छे हो गए, थैंक यू।